यूवी कहाँ हो तुम? डैड यूवी कहाँ? वो ठीक है, तुम जाके आराम करो। नहीं करना डैड, मुझे आराम। हर कोई मुझे आराम करने के लिए कह रहा है, पता नहीं क्यों। डैड यूवी मेरे को चाहिए। देखो आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर आप लोग कुछ ना कुछ। माही भाई, यूवी भाई आ जाएंगे। कब आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, ऐसी कौन सी जगह गए जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं लग रहा है? मुझे बता रही है कि 6 महीने से यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, कोई ना कोई मर रहा है। कहाँ है यूवी? यही तो परेशान। अगर कोई बात की क्लैरिटी मिले ना, देखो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यूवी को कुछ होना है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। He's fine. He's just relax. कुछ गलत हुआ है डैड, 100% कुछ गलत हुआ, आप लोग मुझे बता नहीं रहे। हे भगवान, क्या होगा? मैं तो वहां पे युवराज की फोटो रख के आई हूँ जिसपे आज गया। अब ये माहिर हमेशा के लिए सदमे में गए। तुम? हाँ, मैं अपना फोन ढूंढने आई थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है आपको। नामकरण तक आपको ठीक होना है ना, और वो फंक्शन आज शाम को ही है। यूवी का बस रास्ते में ही अभी फोन पे बात हुई। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, बट नाउ दे ऑन देयर वे। अरे यूवी ठीक है, चलेंगे। तो डैड पहले क्यों नहीं बताया? मैं तब से इतने सारे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मुझे बता देते तुम। एक्चुअली ये सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे, but I'm so sorry, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। वो एक्चुअली क्या है ना कि पहले श्योर नहीं था कि वो टाइम पे आ पाएंगे या नहीं, इसलिए आपसे नहीं कहा, बट अभी तो मेरी बात हो गई है तो वो दोनों आ रहे हैं। माय भैया आप थोड़ा कम लो, टेक सम रेस्ट। थैंक्स बेला। अब आगे क्या होगा? आगे जो कुछ भी होगा, माहिर को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं उसका बुरा नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स। बेला बेटा जरा मेरे साथ तो ना, बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? जो बाहर हुआ वो अच्छा नहीं लगा? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है बेला, कितनी नफरत करती हूँ मैं तुमसे। है ना, पूरा पूरा अंदाजा है। क्योंकि आप सिर्फ आसान काम ही तो कर सकती हैं, मुझसे नफरत करना मुझे हराने से कहीं ज्यादा आसान है, इसलिए वही कर सकती हैं आप। बेला तुमने कभी परकटी चिड़िया को उड़ने की कोशिश करते हुए देखा है? क्या होता है बेचारी के साथ, थोड़ा सा पुदकती है और फिर मुंह के बल गिर जाती है। बस तुम्हारा हाल भी वही होने वाला है। तुमने आज मेरी एक बाजी को पलट दिया ना। मैं चाहती थी कि माहिर को उस यूवी की तस्वीर दिखा दूं ताकि उसे सदमे पे सदमा लगे, लेकिन तुमने मैंने आपकी चाल पलट के आप ही को सदमा दे दिया। और यकीन मानिए आगे चल के आपको ऐसे बहुत सारे सदमे लगने वाले हैं, क्योंकि मेरे रहते आप माहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। माहिर को बचाने के बारे में मत सोचो, को बचाने के बारे में सोचो। तुम अपने उन नाक दोस्तों को इस घर में इसलिए बुलाना चाहती हो ताकि वो तुम्हारे साथ मिलके मेरा मुकाबला करें? डरती जो मुझसे। आप जैसी औरत जिसने अपने गलत इरादों में कामयाब होने के लिए माँ जैसे पाक रिश्ते को नापाक किया, उससे डरना नहीं चाहिए,
पे तरस खाना चाहिए। हाय, इतने आदर्श, इतने आदर्श, पर तुम्हें तो होना ही चाहिए। जब हम पहली बार मिले थे तुमने क्या कहा था मुझसे? माँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, यही कहा था ना। क्या हुआ उस सपने का बेला, टूट गया? बस ऐसे ही तुम्हारे हर सपने को अपने इन हाथों से तोड़ दे रहूंगी मैं। फिर तो आप अभी से हाथ मलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। ना ही आप माहिर को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे, ना ही आप विशाखा को इस घर में आने से रोक पाएंगे। देखिएगा, फिश और यूवी दोनों आज के फंक्शन में आएंगे। और हाँ, मैंने कभी परकटी चिड़िया की उड़ान पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती, और मेरे हौसले बहुत बुलंद है, इसलिए मैं आपको माहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और अगर आपने उसे यूवी के मौत के बारे में बताने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत ही नादान हो तुम बेला, तुम्हें क्या लगता है मुझसे लड़ने के लिए बुरा होने की जरूरत है? बहुत बुरा होने की जरूरत है, बेदिल, बेदर्द, पर वो तुम हो ही नहीं। देखते हैं। देखती रह जाओगी। मुबारक हो एंडी, मुबारक हो, अब तो नाना बन गए हो, अब तो बालों का रंग करना छोड़ दो। अरे भाई, हमारी लाइफ में दो चीजें कभी नहीं छूटेंगी, एक तो रंग, दूसरा है भांग। थैंक यू। ये क्या, खाली ट्रे लेके क्यों घूम रहे? अरे कितने सारे मेहमान आ चुके हैं और मैं कब से बोल चुकी हूँ कि कॉफी लेके आओ, जाओ जल्दी लेके आओ। आप सभी मंडप के नजदीक आ जाइए, नामकरण का प्रकरण प्रारंभ करते हैं, आइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि। बिटिया को अभी पालने में सुला दीजिए और नामकरण की प्रक्रिया आगे करेंगे, आइए। बच्ची के मामा जी को बुलाइए। माहिर भाई, ये विक्रांत और विशाखा अब तक आए क्यों नहीं? हाँ जी पंडित जी, मैं बच्ची का मामा हूँ और एक और मामा भी है, बताइए क्या करना है। बहुत उत्तम, उनको भी बुला लीजिए, तो दोनों भाई मिलकर के बच्ची के कान में उसके नाम का उच्चारण कीजिए। जी माँ, यूवी कहाँ है? बेटा वो बेला कह रही थी कि हाँ बस वो आते ही होंगे। मेरी बात मानो माहिर, ये सारे रिचुअल्स ना तुम अकेले ही कर लो। रुको मैं पंडित जी से बात करती हूँ। नहीं माँ, ऐसे थोड़ी किया जाता है, बच्ची के दो मामा है ना, तो दोनों का होना जरूरी है। पंडित जी ने कहा है ना, यूवी है कहाँ? हाँ रोहित, क्रांत कहाँ हो तुम? माहिर कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, वो यूवी के बिना नामकरण नहीं शुरू करेंगे। रोहित, मैं विशाखा को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है, जैसे मिल जाएगी मैं उसके साथ आ जाऊंगा। क्या? नहीं इतना घबराने की जरूरत नहीं, तुम घबराओ मत, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो आते ही मैं उसके साथ आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ बाय। बोले ना विक्रांत, जल्दी आ जाए, सेहत के लिए यूवी का यहाँ आना बहुत जरूरी है।